पशुओं की बलि देने का ऐसा कोई विधान नहीं है कोई भी शास्त्र में, कोई भी पुराण में, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है, जो सनातन धर्म है, ये क्या कहता है? धर्मो रक्षति रक्षिता, ये तो सबकी रक्षा करता है, किसी का भक्षण नहीं करता, किसी को मारता नहीं है। और आप ये क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, बलि का विधान है, हमने सुना है कि यज्ञ में बलि देना चाहिए। और कई ग्रामीणों में भी आप लोग शायद देखते होंगे, किसी को देवी देवता आते हैं तो कई बार होता है कि उसको बकरी बकरा चढ़ाओ, उसकी बलि दो, दारू चढ़ाओ, हैं? तो हमारे हिसाब से और जो शास्त्र कहता है, इसमें तो ना तो दारू का विधान है और ना तो बकरा बकरी का विधान है। हाँ, हम अपने स्वाद के लिए चाहे बकरा कटवाएं चाहे बकरी कटवाएं, अपने स्वाद के लिए चाहे हम कुछ भी कटाते पिटाते रहें, पर शास्त्रों में ऐसा विवेचन नहीं है कहीं भी। यदि कहीं आया भी है बलि का विधान, बलि देना चाहिए, तो वो कारण बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े बताए गए हैं। क्या कारण है? जैसे कि बड़े बड़े राजा होते थे पहले, वो बड़े अय्याश होते थे, हजारों रानियां रखते थे और जो मन में आता था मदिरा पान करते थे, उटपटांग की चीजें खाते पीते थे। तो ये सब सोच करके व्यास जी आदि, नारद जी आदि कि कलयुग में ये सब होगा, तो उन्होंने कहीं कहीं लिख दिया है ताकि ये जो प्रतिदिन काटा पीटी होती है, तो शायद बलि यज्ञ आदि अनुष्ठान करेंगे, भगवान का पूजन पाठ करेंगे, उसमें एक दिन बलि देंगे, तो शायद उनको लगेगा कि अरे ये तो केवल यज्ञ में बलि का विधान है, बाकी दिन तो है नहीं। तो यदि वो महीने में एक यज्ञ करेंगे और एक दिन बकरा बकरी खाएंगे, तो सोचेंगे कि अरे जब हम 29 दिन नहीं पाते हैं और 30वें दिन एक दिन पाते हैं, तो इससे अच्छा है कि ये भी हम बंद कर दें। तो कुछ इस प्रकार की बातें, यानी संकेत देने के लिए शास्त्रों में हल्का फुल्का लिख दी जाती है।